Hello friends, I, Kundan Kumar Singh, welcome you all in the Mahamana Education Hub. Friends, in this video, मैं आपके पास लेकर आया हूँ अलाहाबाद यूनिवर्सिटी का BSc मैथमेटिक्स कोर्स का एंट्रेंस पेपर के बारे में थोड़ी जानकारी. ठीक है, तो अलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कोर्स चलाए जाते हैं जिसमें से टॉप में से BSc मैथमेटिक्स भी है. ठीक है, BA का मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, लेकिन बहुत सारे मेरे पास कमेंट आए कि सर BSc मैथमेटिक्स का भी बना दो, तो मैं बना दिया है, मतलब काफ़ी रिसर्च के बाद और अब तक ये जानकारी लेकर आया हूँ. ठीक है, तो मैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कितने क्वेश्चंस होते हैं, किन किन एरियाज से क्वेश्चंस होते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं, कितने समय मिलते हैं आपको उनको करने के लिए, क्या मार्किंग स्कीम होता है, क्या कट ऑफ होता है, कितनी सीटें हैं लगभग, ठीक है, कितने एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, ओके एंड ऑल व्हाट नॉट. ठीक है, तो देखिए BSc मैथमेटिक्स वाला जो ग्रुप है इसमें ऑनर्स नहीं है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, ठीक है, जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं आप, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स भी आ जाते हैं इसमें, ठीक है, और कहीं कहीं कई बार ज्योग्राफी भी इनमें दे देते हैं साइंस वाले सब्जेक्ट में BSc मैथमेटिक्स के साथ. ठीक है, तो इसमें देखिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एंट्रेंस में. ठीक है, तो कौन कौन से पोर्शन से देख लीजिए आप, इसमें होते हैं 20 लैंग्वेज के क्वेश्चंस जिसमें हिंदी या इंग्लिश ऑप्शनल होते हैं. हिंदी या इंग्लिश में से 20 कोई भी करने होते हैं, या तो आप हिंदी कीजिए 20 या इंग्लिश कीजिए 20. ठीक है, ये क्लियर हो गया. दूसरा जो पार्ट है वो होता है जीके एंड करंट अफेयर्स का, उससे 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ठीक है, 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ठीक है, इसके बाद PCM है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स. ठीक है, उससे पूछे जाते हैं 120 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं PCM से. ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स वाले पोर्शन से. ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, ये टोटल द नंबर ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड इन दिस एग्जामिनेशन आर 150 क्वेश्चंस, राइट, एंड ईच क्वेश्चन कंटेन 2 मार्क्स. इट मींस टोटल ये जो परीक्षा होती है ये होती है 300 अंकों की. ठीक है, समझ में आई बात, 300 अंकों की ये परीक्षा होती है और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है. नेगेटिव मार्किंग देखिए 1/4 है. What? 1/4 मतलब अगर एक क्वेश्चन को आप गलत करते हैं तो आप 0.5 मार्क लूज करते हैं. समझ गया बात. ठीक है, कट ऑफ जो पिछली बार का था और इस बार का अंदाजा लगा रहा हूँ वो 110 से 15 के बीच में जाने वाला है. 110 से 15 मतलब 300 में से 110-15, मतलब कट ऑफ ज़्यादा है नहीं, ये जनरल के लिए है, SC के लिए, सॉरी OBC के लिए 97 जाएगा, 97-99 यही जाएगा. ठीक है, और ST के लिए 10 और 10-15 और कम कर लो. ठीक है, तो ये होगा समय जो आपको मिलेगा इसके लिए, वो मिलेंगे 2 आवर्स मींस 120 मिनट्स. आपको 150 क्वेश्चन करने के लिए समय मिलेंगे 120 मिनट्स, तो समय काफ़ी कम है, इसलिए आप ध्यान से करिएगा, आपकी स्पीड ठीक ठाक होनी चाहिए. ठीक है, ये करने के लिए अंडरस्टूड. ठीक है, इसमें जो सीटें हैं वो लगभग सारे एफिलेटेड कॉलेजेस और मेन कैंपस को मिला के 1500 से 2000 के बीच में है. ठीक है, 1500 से 2000 के बीच में एफिलेटेड कॉलेजेस एंड ऑल पूरा मेन कैंपस को मिला के जो इसमें सीटें हैं इतनी हैं. ठीक है, तो अब मैं थोड़ा थोड़ा बता दूं आपको कि इसमें इंग्लिश और हिंदी में क्या क्या पूछे जाते हैं. 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसमें बेसिकली ग्रामर से क्वेश्चंस होते हैं. ठीक है, 2-3 क्वेश्चन आपके एक पैसेज दे दिया जाएगा छोटा सा. ठीक है, उससे 2-3 क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे. इसके बाद अगर हिंदी पूछा जाएगा तो उसमें पर्यायवाची शब्द आएंगे. ठीक है, मुहावरे लोकोक्तियाँ आएंगी. ठीक है, मुहावरे लोकोक्तियाँ हो गए, अशुद्ध शुद्ध शब्द हो गए. ठीक है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग आ सकते हैं, संधि आ सकता है, समास, गद्यांश और क्या कहते हैं कि अलंकार. ठीक है, इन्हीं चीज़ों से सवाल होंगे 20 क्वेश्चंस. ठीक है, अब मैं अगर इंग्लिश की बात करता हूँ तो इसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ठीक है, एडियम्स एंड फ्रेजेस, अंडरस्टूड, फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रीपोजिशन, थोड़े बहुत टेंस, वॉयस, नरेशन, इन्हीं बेस्ड क्वेश्चंस होंगे. ठीक है, और एक आध पैसेज दे दिया जाएगा, उससे 2-3 क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे. अब GK CA में देखिए दोस्तों, इसे सिर्फ 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप एक्सपेक्ट कीजिए या लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ठीक है, प्रेजेंट सिनारियो में कहाँ कहाँ क्या चल रहा है, मोदी जी कहाँ गए हुए हैं, अभी हाल फिलहाल में किन किन देशों के साथ हमने एग्रीमेंट किया है. ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, या हिंदुस्तान में अभी क्या हो रहा है, कहाँ पे कौन सी नदी का विवाद चल रहा है, हिंदुस्तान के किस हिस्से में कहाँ इलेक्शन होने वाले हैं. ठीक है, और अभी हाल फिलहाल में नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में इलेक्शंस हुए तो वहाँ पे कौन सी पार्टी जीती, ये सब चीज़ों की जानकारी हमें थोड़ी होनी चाहिए. ठीक है, उसके अलावा थोड़े से हमें इतिहास मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, नागरिक शास्त्र, कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज हमें थोड़ी सी मोटा मोटी एक होनी चाहिए, रफ आइडिया. ठीक है, इसके लिए कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर 2-3 साल के देख लेंगे तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा, और लूसेंट की बुक आप
जो मार्केट में आती है, ये देखिए लूसेंट की बुक, ठीक है, ये लूसेंट की बुक इस तरह वाली, ऐसी बुक आप पढ़ लेंगे अगर मान लीजिए इसका मोटा मोटी थोड़ा सा, अरे 3 से 4 दिन में तो इसको ख़त्म कर लेंगे आप, बस 1 से 2 बार पढ़ना है, वो ऑप्शन आपके सामने आएंगे तो आप उसको लगा डालेंगे, ठीक है। तो ये रही जीके और इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज पेपर की बात, ठीक है। इसके बाद मैं चलता हूँ पीसीएम में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के जो 120 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चंस पूरे एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, 12th क्लास तक की जो एनसीईआरटी बुक होती है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स की, उसकी थोरो जानकारी आपको ठीक ठाक होनी चाहिए, ठीक है। तो 120 एग्ज़ाम बहुत टफ नहीं होगा, अगर आप 70% भी कवर करके आते हैं तो इस एग्ज़ाम को ईजिली क्लियर कर लेंगे, ठीक है। और एक चीज़ और है कि नेगेटिव मार्किंग से बचिएगा थोड़ा, ऐसे ही टुक्की मत लगा के आ जाइएगा वहाँ पे, क्योंकि सिलेक्शन के चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे अगर ज़्यादा से आपने ये ले लिया तो। रिस्क ज़्यादा नहीं लेना है, मतलब जो क्वेश्चंस आए वही करके आने हैं, ठीक है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के थोड़े से मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूँ जो आपकी जानकारी के लिए बहुत ही अहम रहेगा मैं समझता हूँ कि, ठीक है। तो देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस जो हैं ये हमारे, देखिए कौन कौन है फिजिक्स में, आप नोट डाउन कीजिए। फिजिक्स में टॉपिक्स हैं, देखिए वाइब्रेशन एंड वेव्स, व्हाट, आई रिपीट, वाइब्रेशन एंड वेव्स, ओके। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ओके। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, ओके। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, नेक्स्ट इज ऑप्टिक्स, लाइट समझते हैं ऑप्टिक्स, ओके। देन करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ओके। मॉडर्न फिजिक्स, ओके। वर्किंग ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स इन आवर डे टू डे लाइफ, ओके। एटम्स एंड न्यूक्लियाई, देन मैकेनिक्स, ओके। हीट ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ओके। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, राइट। कम्युनिकेशन सिस्टम, ओके। केमिस्ट्री में मैं आता हूं अब, द गैस लॉज, व्हाट, द फर्स्ट टॉपिक इज द गैस लॉज, ओके। स्टेट्स ऑफ मैटर, ओके। सरफेस केमिस्ट्री, द नेक्स्ट इज पॉलीमर्स, what, that is polymers, okay. States of matter, okay. p block elements, the next topic is p block elements, okay. organic chemistry, nice. The next is mixture solubility and solutions, right. important concepts of chemistry, okay. Elements and compounds, okay. D and F block elements, okay. Coordinate compounds, okay. Chemical reactions, right. The next topic is chemical bonding, understood. The next is chemical kinetics, and उसके आगे क्या है, alcohols, phenols and ethers, understood. Now I come to mathematics, okay. Mathematics में देख लीजिएगा कौन कौन से areas में आपको देखने की ज़रूरत है. ये है देखिए calculus, ठीक है, लिख देता हूँ क्योंकि maths वाला group है तो मुझे, मैं लिखना समझता हूँ, ठीक है. calculus, okay. उसके बाद है statistics and probability, understood. नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अंडरस्टूड. इसके बाद है ट्रिग्नोमेट्री, ओके. ये है अलजेब्रा, ओके. सेट एंड फंक्शन, ओके. इसके बाद है वेक्टर अलजेब्रा, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, अंडरस्टूड. इसके बाद क्या है,
इसके बाद है अर्थमैटिक, अर्थमैटिक ठीक है। तो यही टॉपिक है, इससे ज़्यादा है नहीं, इसी में से आपने सब कुछ आ जाना है ठीक है। कैलकुलस मतलब सब कुछ आ गया, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल कैलकुलस ठीक है, तो सब कुछ आ गया ठीक है। तो ये सारे एरियाज हैं, ये पोर्शंस हैं, मैं समझता हूँ। थ्री डी ज्योमेट्री थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा आप ठीक है, 3D ज्योमेट्री अच्छे से ठीक है। तो ये सारे पोर्शंस हैं आपके मैथमेटिक्स में, आप अच्छे से तैयारी कीजिए ठीक है, और इस एग्ज़ाम को दीजिए। बहुत सारे दोस्तों ने, बहुत सारे मेरे भाइयों ने ये कमेंट किया था कि सर BSc का इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस का वीडियो बना दीजिए, तो मैं समझता हूँ कि चलो भाई उनका भला हो जाएगा। और इस वीडियो को देखने से अगर आपको थोड़ा सा फ़ायदा हुआ तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव अस अ लाइक ओके, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कर सके आप तो इसको शेयर कीजिए ठीक है। और अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे हम आपके फ्यूचर के लिए, फ्यूचर की जानकारियां लेकर ढेर सारे वीडियो बनाने वाले हैं ठीक है, बहुत सारे टिप्स लेकर आने वाले हैं जिससे आपका जरूर ही भला होगा, फायदा होगा, और कहीं ना कहीं आप एक सक्सेसफुल इंसान बनेंगे फ्यूचर में ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, ऑल द बेस्ट फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एंड थैंक यू, ऑल द बेस्ट।